हेलो एवरीवन, हम सब चाहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग, फिट और हेल्दी हों। उसके लिए हमें चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन। तो हमारे सब्सिक्वेंट मील्स के बीच में कभी कभी हम इतना काम कर रहे होते हैं कि वी फील एग्जॉस्टेड, वीक, हंग्री एंड लो। तो कॉन्सिक्यूटिव मील्स के बीच में कभी हमें भूख लगती है, क्योंकि हम इतने थके हुए होते हैं कि मन करता है कि हम कुछ खा लें ताकि हमें थोड़ा आधार मिले और शक्ति मिले और हम वो बाकी का जो वक्त है उसको काट लें। तो तब हमारे पास चॉइस भी होती है कि हम ऐसा कोई जंक फूड या ऐसी चीज़ चूज़ करें जिसमें एम्प्टी कैलोरीज हैं और हमें अपने फिटनेस जर्नी से, अपनी राह से हमें भटका देगा। ऐसी भी चीज़ खा सकते हैं और हम कुछ हेल्दी भी खा सकते हैं। हेल्दी जैसा कि फ्रूट्स यू नो दे हैव लो कैलोरीज एंड दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो जब हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो हमें थोड़ा आधार मिलता है, और जैसा कि माना गया है कि उसमें फ्रक्टोज होता है, वो इंसुलिन स्पाइक दे देगा, दैट इज़ नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है। तो आज मेरे पास ऐसा ही एक फ्रूट है जिसमें कैलोरीज बहुत लो होती हैं और न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत हाई होता है। इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। और हम जैसे कि कीवी फ्रूट है, इसको हम बीच में बिटवीन मील्स जब हम खा लेते हैं तो हमें थोड़ा आधार मिलता है और शक्ति मिलती है, और ऑल्सो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कि जो हम जो नेक्स्ट मील खाएंगे उसको डाइजेस्ट करने में भी हमारी हेल्प करेगा। तो कीवी फ्रूट्स कई तरह के होते हैं। कीवी बेरीज भी होती हैं, जो आज मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास यहाँ है ग्रीन कीवी और गोल्डन कीवी। तो मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी, इनमें बहुत सटल डिफरेंसेस होते हैं, और आई विल टेल यू द डिफरेंसेस बिटवीन देम। जो ग्रीन कीवी है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल अपीयरेंस, जो ग्रीन कीवी है उसका जो बाहर का पील है, इसका थोड़ा सा हेयरी टेक्सचर होता है, थोड़ा रफ होता है, और जो गोल्डन कीवी है इसका स्मूथ टेक्सचर होता है। तो इट्स कंपैरेटिवली स्मूथर। और फ्रूट्स को पील्स के साथ खाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पील्स के नीचे जो उसका छिलका है उसके नीचे बहुत हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है और एंजाइम्स होते हैं। तो जब हम छिलका उसका निकाल के फेंक देते हैं तो वी लूज अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन यू नो दैट वी कुड हैव हैड। और दोनों जो कीवीज हैं इसमें फोलेट और विटामिन सी होता है, सेलेनियम होता है, सेलेनियम इज़ वेरी गुड फॉर द हार्ट, एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, सेलेनियम बहुत अच्छा होता है, विटामिन ई दोनों में होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एंड ऑफकोर्स बहुत सारे बॉडी फंक्शंस होते हैं। जो विटामिन ई अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, दोनों में पोटेशियम होता है, एंड यू नो बोथ ऑफ देम हैव एज आई सेड फोलेट एंड विटामिन सी। जो गोल्डन कीवी है इसमें जो विटामिन सी और फोलेट का कंटेंट बहुत हाई होता है, और जो ग्रीन कीवी है इसमें फाइबर जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसमें फाइबर कंटेंट जो होता है दैट इज़ वेरी वेरी हायर देन दी गोल्डन कीवी। तो जो गोल्डन कीवी है, जैसा आप देख सकते हो, इसका अंदर से मैंने काट के रखा हुआ है, इसका गोल्डन कलर है और छोटे छोटे सीड्स होते हैं, और जो ग्रीन कीवी है इसमें थोड़े बड़े सीड्स होते हैं विच आर ब्लैक डार्कर, एंड उसका ग्रीन शेड होता है। इसका जो फ्लेवर होता है वो स्वीट होता है, और जो ग्रीन कीवी है इसका टैंगी फ्लेवर होता है। तो जो इसमें जो फोलेट और विटामिन सी का कंटेंट है गोल्डन कीवी में वो ज़्यादा होता है और ग्रीन में कम होता है, लेकिन जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो वो लोग ग्रीन कीवी को प्रेफर कर सकते हैं। ग्रीन कीवी जो है वो इजीली अवेलेबल होता है थ्रू आउट द ईयर, एंड कंपैरेटिवली इट इज़ लाइक लिटल चीपर, थोड़ा सस्ता होता है। ये थोड़ा एग्जॉटिक फ्रूट है, थोड़ा महंगा होता है, इट्स डियरर, एंड इट इज़ अवेलेबल बिटवीन जून एंड अगस्त, उस पीरियड में ये ज़्यादा मिलता है। ग्रीन कीवी में एक और बात है कि हालांकि ये सारे साल मिलता है, लेकिन विंटर मंथ्स में जो फ्रूट आता है वो थोड़ा ज़्यादा स्वीट होता है। तो जब हम डेजर्ट्स में यूज़ करते हैं, जैसे बहुत लोग जो हेल्दी ऑप्शंस
यू नो प्रेफर करते हैं, तो दे यूज़ ग्रीक योगर्ट और योगर्ट मेड फ्रॉम स्किम्ड मिल्क, यू नो प्रोबायोटिक योगर्ट। उसमें हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स में खट्टी चीज़ को उतना पसंद नहीं करते, तो वो वहाँ पे वी प्रेफर टू टेक द गोल्डन कीवी। जो ग्रीन कीवी है उसका थोड़ा सा जो फ्लेवर है वो खट्टा होता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ एन इरिटेंट। तो कई लोगों को इससे एलर्जी भी होती है, तो जिनको टेंडेंसी है एलर्जी के लिए दे कैन प्रेफर द गोल्डन कीवी। दूसरी चीज़, जो ग्रीन कीवी है उसमें एक एंजाइम होता है एक्टिनिडिन, जो कि ज़्यादा होता है, दोनों में होता है, लेकिन जो ग्रीन कीवी है उसमें एक्टिनिडिन का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो एक्टिनिडिन जो है वो एक प्रोटीज एंजाइम है, तो नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा पॉलीसैकराइड्स एंड ऑलिगोसैकराइड्स विच आर कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, उनके डाइजेशन में भी इसका रोल होता है, तो एक्टिनिडिन का, और जो कि ग्रीन कीवी में ज़्यादा होता है। तो अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो यू कैन प्रेफर द ग्रीन कीवी, बट नेवरदलेस जो कुछ डेजर्ट्स होते हैं और अपनी प्रेफरेंस होती है तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। दोनों में ल्यूटीन और जियाजैंथीन होता है विच आर एंटीऑक्सीडेंट्स एंड दे आर वेरी गुड जो मैक्यूलर डीजनरेशन होती है, आइज़ की डीजनरेशन विद एज, उनको बहुत 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 स्लो कर देता है, सो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द आइज। सो दोनों में होता है ल्यूटीन एंड जियाजैंथीन, सो दैट इज़ अनदर डिफरेंस बिटवीन देम एंड द सिमिलैरिटी बिटवीन देम। सो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो इन बिटवीन मील्स का टाइम है यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड एन्जॉय इट। तो आज मैंने आपको जो डिफरेंस बताया है बिटवीन ग्रीन कीवी एंड गोल्डन कीवी, तो आपको एक कोइंसिडेंस बताती हूँ कि ये बताने के दौरान मैंने रियलाइज़ किया कि आई एम वेयरिंग अ शर्ट दैट हैज़ दीज कलर्स, सो दैट्स अ ब्यूटिफुल एंड अ वेरी वेरी कलर मैचिंग कोइंसिडेंस। आई होप दैट यू इन्जॉयड दिस वीडियो, आपको वैल्यू मिली अपने टाइम के लिए जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया है इस वीडियो को देखने में, आई होप आपने उसको आपको वैल्यू मिली उस टाइम के लिए, एंड आई होप दैट आपने ये वीडियो बहुत इन्जॉय किया, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप फॉलोइंग मी। अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सबके साथ इंटरेक्ट करना। आई वुड लव टू इंटरेक्ट विद यू, और मेरे वीडियोज़ देखते रहना, कीप वॉचिंग मी, सी यू ऑल, टेक केयर एंड स्टे healthy.